बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू माय चैनल ऑल टू लर्न। आज की इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं वो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स लॉ के बारे में हम तफसील से डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एडम स्मिथ, डॉक्टर एल्फर्ड मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्स की डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को तफसील से पढ़ा था। उन वीडियोज़ का लिंक मैंने प्ले लिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, स्टूडेंट वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आगे आगे मज़ीद अपने स्टूडेंट्स में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो दो तरीक़ों से आ सकता है। डिफाइन इकोनॉमिक लॉस, एक्सप्लेन इट्स करैक्टरिस्टिक्स एंड आल्सो कंपेयर विद अदर लॉस। व्हाट इज़ मेंट बाय इकोनॉमिक लॉस? एक्सप्लेन नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक लॉस, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम अदर लॉस। एज यूजल सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना होता है। इकोनॉमिक्स इज अ ग्रोइंग साइंस लाइक अदर साइंसेज, इट हैज़ इट्स ओन लॉज। एज साइंटिफिक लॉज आर यूनिवर्सली स्टेटमेंट विच शो रिलेशनशिप बिटवीन काज एंड इफेक्ट्स। द एम ऑफ एवरी साइंस इज टू डिस्कवर सच रिलेशनशिप। व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज आर ऑब्जर्व, वी फाइंड मैनी सिमिलरिटीज इन देयर बिहेवियर। व्हेन दीज सिमिलरिटीज इन देयर बिहेवियर आर स्टेटेड इन प्रॉपर वर्ड, दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक लॉज। तो डेफिनेशन क्या होगी? इकोनॉमिक लॉज आर स्टेटमेंट शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन काजेस एंड इफेक्ट। लॉज ऑफ डिमांड एंड लॉज ऑफ सप्लाई इसकी एग्जांपल है। फिर नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स लॉ, नो यूनिवर्सल ट्रूथ। इकोनॉमिक्स लॉ आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, इट इज़ एवर चेंजिंग, सो इकोनॉमिक लॉज आर नॉट प्रोवाइडेड प्रूफ यूनिवर्सली। तो क्योंकि इंसानी ख्वाहिशात जो होती हैं वो भी बदलती हैं, इंसानी सोच भी बदलती है, तो फिर इकोनॉमिक लॉज जो हैं वो भी साथ साथ वक्त के साथ बदल जाते हैं। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इकोनॉमिक लॉज डिराइव्ड फ्रॉम द ह्यूमन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। द एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, सो इकोनॉमिक लॉ कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। नो लेबोरेटरी टेस्ट, दीज लॉ आर रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर एंड इट कैन नॉट बी टेस्टेड इन लेबोरेटरीज। इलेक्टिव ऑप्शनल, इकोनॉमिक लॉ आर नॉट इलेक्टिव इन ऑल नेचर। देयर इज नो कंक्लूजन टू अबाइड बाई इकोनॉमिक लॉज। फिर नो पनिशमेंट, इकोनॉमिक लॉज आर नॉट कंपल्सरी टू बी फॉलोड, सो एनी बॉडी वायलेटिंग दीज रूल्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट। नंबर छः जो है हमारे पास है, बेस्ड ऑन रिजर्वेशन कंडीशनल इकोनॉमिक लॉ आर लेट विद दी चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर, सो दे आर प्रोवाइडेड अंडर सर्टन कंडीशन रिजर्वेशन। इफ ऑल ऑफ दीज कंडीशन रिजर्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड, दैन द लॉज डज नॉट होल्ड ट्रू। सेवन हमारे पास है, इकोनॉमिक लॉज आर क्वालिटेटिव इन नेचर। इकोनॉमिक लॉ आर क्वालिटेटिव एंड नॉन क्वांटिटेटिव इन नेचर। दे आर नॉट एग्जैक्टली स्टेटेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, दे एक्सप्लेन ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज विच इज़ एक्सपेक्टेड रेदर देन अमाउंट ऑफ चेंज। फिर कंपेरिजन ऑफ इकोनॉमिक लॉज विद अदर लॉज, इकोनॉमिक लॉज एंड स्टेट लॉज में क्या फ़र्क होता है? फॉर्मेशन, सबसे पहले हम इकोनॉमिक लॉज की देखते हैं। दे आर फॉर्म बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स, एक्टिविटी एंड टेक्निक्स ऑफ टेंडेंसीज ऑफ पीपल बिहेवियर इन द सोसाइटीज। दीज आल आर फॉर्म बाई द पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पर्सनैलिटीज एंड पीपल हैविंग नॉलेज ऑफ लॉ। और इकोनॉमिक लॉ ऑप्शनल होते हैं, दीज लॉज आर ऑप्शनल टू बी फॉलोड। देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन डैट एवरी बॉडी शुड फॉलो दैम, इफ एनी बॉडी डज नॉट फॉलो दैम देन इट इज़ नॉट अ क्राइम। और जो स्टेट लॉ होते हैं वो कंपल्सरी होते हैं, दीज लॉज आर कंपल्सरी टू बी फॉलोड, एनी बॉडी ब्रेकिंग दीज लॉ विल बी क्रिमिनल एंड सब्जेक्टेड टू द पनिशमेंट ऑफ द स्टेट। इकोनॉमिक्स लॉ में अमेंडमेंट्स होती हैं कि नहीं होती? दीज लॉ कैन बी अमेंडेड इफ़ द बिहेवियर ऑफ पीपल चेंजेस, बट द लॉज सो फार स्टेटेड आर द गुड एंड परफेक्ट एक्सेप्ट फ्यू। और अमेंडमेंट्स, दीज लॉज जो स्टेट लॉ में होती हैं उनमें अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। दीज लॉज आर द मेमोरेंडम ऑफ द कंट्री, दीज लॉ कैन ओनली बी चेंज इफ जनरल पब्लिक फाइंड एनी डिफिकल्टी इन इट। फिर इकोनॉमिक लॉ में वायोलेशन, द इकोनॉमिक लॉज आर नॉट कंपल्सरी टू बी फॉलोड, इफ एनी बॉडी डज नॉट फॉलो दैम इट इज़ अप टू हिज विलिंगनेस, एनी बॉडी वायोलेटिंग दीज लॉ इज नॉट टू बी अ क्रिमिनल। और जो स्टेट लॉ होते हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप एक मुजरिम कहलाएंगे, क्रिमिनल होगा। द ओबेइंग ऑफ द स्टेट लॉ इज कंपल्सरी बिकॉज दे आर स्टेटेड बाई गवर्नमेंट, इफ द पीपल डू नॉट फॉलो दीज रूल देयर विल बी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन इन द कंट्री एंड एनी बॉडी वायोलेटिंग दीज रूल इज अ क्रिमिनल। फिर हमारे पास अगला कंपेरिजन है, इकोनॉमिक लॉज विद मॉरल लॉज। इकोनॉमिक्स लॉज फॉर्मेशन क्या है? दीज लॉज आर फॉर्म बाई ऑब्जर्विंग द फैक्ट एंड फिगर्स, एक्टिविटीज एंड टेंडेंसी ऑफ पीपल ऑफ बिहेवियर। तो वो वही पॉइंट है। और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? जो मॉरल लॉ होते हैं
इन्फोर्स्ड बाय रिलीजन आर द सोसाइटीज़। और ये ऑप्शनल होते हैं, दीज आर लॉ आल्सो ऑप्शनल, जो मॉरल लॉ होते हैं वे भी ऑप्शनल होते हैं। अमेंडमेंट इनमें कर सकते हैं, दीज आर फॉर्म बाय टेकिंग सेंचुरीज ऑफ टाइम, तो इनमें जो होती है अमेंडमेंट मुश्किल से होती है। और वायलेशन इनमें भी कोई क्रिमिनल नहीं है, इकोनॉमिक्स लॉ में भी और मॉरल लॉ में भी कोई क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं है। फिर इकोनॉमिक लॉ विद फिजिकल लॉ क्या होता है, फॉर्मेशन हमने जैसे की थी कि ये कैसे फैक्ट एंड फिगर फॉर्मेशन होते हैं, और फिजिकल लॉ कैसे होती है, फिजिकल लॉ फॉर्म इन द लेबॉरेटरीज, दे आर यूनिवर्सली ट्रू एंड आल्सो मेजरेबल विद द हेल्प ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। और इकोनॉमिक लॉ ऑप्शनल होते हैं लेकिन साइंटिफिक लॉ कंपल्सरी होते हैं। इनमें अमेंडमेंट की जाती है, इनमें अमेंडमेंट दीज आर लॉज आर यूजुअली ट्रू एंड इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द टेस्ट इन द लेबॉरेटरी, सो चांसेस ऑफ अमेंडमेंट आर देयर। तो अगर कोई लेबॉरेटरी में नया टेस्ट ऑब्जर्वेशन है तो शायद उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। इनमें वायलेशन में क्रिमिनल नहीं है, और वायलेशन ऑफ दिस लॉ इज नॉट क्राइम, बट द एनीबॉडी वायलेटिंग दिस रूल विल बी गेट हिज नॉट गेट हिज ऑब्जेक्टिव, अगर वो वायलेशन करेगा तो उसको ऑब्जेक्टिव तो नहीं मिलेगा ना। फिर हमारे पास कंक्लूजन है, इन द लाइट ऑफ कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक लॉज विद अदर लॉ, इट इज़ वेरी क्लियर दैट इकोनॉमिक लॉज आर क्वाइट डिफरेंट इन देयर फीचर फ्रॉम अदर लॉज। इकोनॉमिक लॉज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट कैन बी डिमांडेड विद द पैसेज ऑफ टाइम विच इज़ नॉट सिमिलर टू द अदर लॉ। अमेंडेड यानी उनमें चेंज हो सकती है, जिस तरह अगर अदर लॉज में होती है इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं अमेंडमेंट के। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी, बहुत आसान और इजी वर्डिंग है। मैंने अपनी बीकॉम की तैयारी के लिए यही इकोनॉमिक्स जो थे नोट्स यूज़ किए थे, आप इनको इंटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एफए आईकॉम के लिए, बीए बीकॉम के लिए भी, और इवन एमए में भी आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।